आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग कि ये ईपीएसएम मॉड्यूल है क्या, क्या जरूरत है इसे परस्यू करने की, क्या ये कंपलसरी है, किस पॉइंट पे हम एग्जैक्टली करना चाहिए ड्यूरिंग आवर ACCA और आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एग्जाम्स, एग्जैक्टली कब ACCA सजेस्ट करता है कि हमें ये करना चाहिए, कॉस्ट क्या है इसके करने का, क्या कोई टेस्ट है, क्या हमें बार बार पे करना पड़ेगा उसके लिए, एंड ऑल ऑफ दैट। Hi everyone, I am ACCA Disha Chauhan and today I am here to talk about the EPSM module of ACCA. So without wasting any time, let's dive into the video. So सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये EPSM यानी Ethics and Professional Skill Module है क्या? जैसे कि as finance professional, you know, when you go into the real working world, there are some skills that you need to have. आपकी वो professional skills, ethical behavior, वो सारी चीजें बहुत important हो जाती है। इसीलिए ACCA ने ये module design किया है, so that जब भी आप किसी भी organization में, you know, काम करो, from day one you can create an impact because आप aware होंगे about all of these things. क्योंकि usually एथिक्स प्रोफेशनलिज्म यू नो बाकी लोग जो ACCA नहीं करते या दूसरे करियर्स में होते हैं ये सारी चीजें वो सीखते हैं व्हाइल दे आर वर्किंग यू नो एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीजें आती है बट ACCA जो है आपको ये पहले ही इंट्रोड्यूस करा देता है इन कॉन्सेप्ट से सो दैट व्हेनेवर यू गो एट द वर्कप्लेस यू आर रेडी बिकॉज आज की यू नो दुनिया में व्हेन थिंग्स आर मूविंग सो क्विकली द ग्लोबल लैंडस्केप इज मूविंग सो क्विकली सो All these companies, जो आपके employers हैं, they are expecting कि भाई आपको कुछ चीज़ें पता हो already, right? कुछ आपको real world experiences, कैसे कुछ चीज़ों को tackle करना होता है कुछ जो skills होती हैं आपकी चाहे वो आपकी communication skill हो गई या negotiation ability, ये सारी चीज़ें आपको कुछ तो मतलब awareness हो तो ACCA ने एक module create किया है जो कि है EPSM module. Now coming to क्या ये module compulsory है क्या ये सबको करना होगा Well yes अगर आपको ACCA member कहलाना है तो yes आपको ये module करना ही होगा because as you know after you clear all the exams right आपको एक 3 years work experience और ये module जब आप करते हो उसके बाद ही आप कहलाओगे एक ACCA member exams के बाद अगर आपके exams complete हो गए तब तक आप एक affiliate ही रहते हो So if you are a student or an affiliate, this video is going to be very helpful for you. अगर आप ACCA परस्यू भी करने वाले हो, then also definitely, you know, watch this video till the end so that there is no confusion with regards to this module. So अब हमने समझ लिया कि भाई purpose क्या है ये module का exactly, you know, EPSM क्यों बनाया है ACCA ने. Let's try to understand the suggested time frame जो कि ACCA कहता है. तो ACCA कहता है कि कोई भी यू नो स्टूडेंट जो है यूजली पूरा मॉड्यूल गो थ्रू करने में उसको कंप्लीट करने में अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स तक इसमें लग सकते हैं राइट ACCA ये चीज सजेस्ट करता है कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स लग सकते हैं बट ऑफकोर्स ज्यादा भी लग सकते हैं कम भी लग सकते हैं सो बेसिकली करना क्या है जब आप यू विल लॉग इन टू योर माई ACCA और वहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में यू नो ये ऑप्शन मिलेगा इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑलरेडी कि आप EPSM मॉड्यूल कर सकते हो उसको परचेज कर सकते हो जब आप एक बार परचेज कर लो आपको उसका एक्सेस मिल जाता है आप कितनी भी बार जाके देख सकते हो मॉड्यूल आपको जितना टाइम लगाना है एक यूनिट पे आप लगा सकते हो यू नो एज सच कोई ACCA नहीं बोलता है कि भाई इतने घंटों में करो उसके बाद मॉड्यूल हट जाएगा नहीं दे आर सेइंग दे आर जस्ट गिविंग अ सजेशन कि 20 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली लग सकते हैं बट आप जब चाहो अपने पेज से इसे कर सकते हो नाउ इस मॉड्यूल में होते हैं 10 यूनिट्स राइट 10 यूनिट्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट 7 आपके लर्निंग यूनिट्स हैं एंड बाकी आपके सपोर्ट यूनिट्स हैं एंड ऑफ कोर्स यूनिट 10 आपका है फाइनल असेसमेंट जहां पे आपको एग्जाम देना होगा एक असेसमेंट देना होगा जहां पे टोटल 14 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हर जो आपने मॉड्यूल पढ़ा है फर्स्ट 7 जो लर्निंग यूनिट्स थे उसमें से ईच ऑफ दोस मॉड्यूल में से टू क्वेश्चन आएंगे सो टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ दोस फर्स्ट 7 यूनिट्स जो कि बनता है 14 क्वेश्चन यू विल हैव टू गेट 50% मार्क्स टू पास पर अगर आप पास नहीं हुए फर्स्ट टाइम क्या मैम आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा नहीं द आंसर इज नो Once you purchase the EPSM module, you can give that final assessment multiple times जब तक आप पास नहीं होते हो
सो दैट इज देयर, ये बात ने खरीद लिया, आपको बार बार पेमेंट नहीं करनी है. कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ इट, कॉस्ट क्या है? सो इट विल वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, आप कौन से देश में हो, कौन से रीजन में हो. बट अगर मैं इंडिया की बात करूँ, आई थिंक अभी इट्स 75 pounds, बट अगेन दिस कैन चेंज, इस ईयर 75 है, नेक्स्ट ईयर कुछ और रेट भी हो सकता है. सो यू नो दिस इज समथिंग दैट विल वेरी रीजन टू रीजन एंड ईयर ऑन ईयर भी शायद चेंज हो. सो बट अभी के लिए इट इज 75 pounds. तो एक बार आपने परचेज कर लिया, आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, आप अपने पेज से जो है वो मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हो. एंड यू इंटेंड, जैसे कि मैंने कहा, असेसमेंट है, सबको वो क्लियर करना है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. दैट इज इम्पॉर्टेंट, 50% उसमें पास मार्क्स है. 14 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी. अब मैम कब करना चाहिए ईपीएसएम मॉड्यूल? सम पीपल से कि यार पूरा पढ़ लो, सारे ईसीसी के पेपर्स क्लियर कर लो, एफिलिएट बन जाओ तब दो. कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, आप प्रोफेशनल पेपर देने से जस्ट पहले यू कंप्लीट है. सो व्हाट इज द राइट थिंग? सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली खुद दिया था ये एग्जाम ईपीएसएम मॉड्यूल कुछ साल पहले, आफ्टर हैड कंप्लीटेड ऑल माय सब्जेक्ट्स. बट एट दैट टाइम यू नो मे बी आई वाज नॉट इवन सो मच अवेयर कि हमें शायद प्रोफेशनल से पहले देना चाहिए, तो मैंने वो दे दिया एंड आई वॉज एबल टू क्लियर इट. एंड मुझे प्रोफेशनल पेपर्स में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी क्योंकि मैंने ईपीएसएम नहीं किया था. आई वॉज एबल टू क्लियर ऑल ऑफ दोज ऑल्सो इन फर्स्ट ईयर. लेकिन ACCA एक्चुअली सजेस्ट करता है, एंड अब जो है मॉड्यूल भी काफ़ी चेंज हुआ है. आई हैव गॉन थ्रू द मॉड्यूल एंड आई हैव सीन दैट मेरे टाइम से काफ़ी एक्चुअली चेंजेस हुए हैं. सो ACCA इज एक्चुअली सजेस्टिंग कि आप ये मॉड्यूल प्रोफेशनल लेवल पेपर से पहले दो. यस, एंड इनफैक्ट जो यूनिट 9 है इस मॉड्यूल का, वो भी इन अ वे एक लिंक दिखाता है कि कैसे ईपीएसएम आपको हेल्प करेगा इन योर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम्स. तो दे आर सजेस्टिंग कि जैसे आपके स्किल लेवल के सारे पेपर्स हो जाते हैं, आप ईपीएसएम मॉड्यूल दो एंड देन यू कैन गो हेड एंड गिव योर प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स. लाइक आई सेड, ये ACCA का सजेशन है, दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट कि आपको तभी देना है. कई स्टूडेंट्स अभी भी यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोफेशनल देते हैं, कुछ लोग उसके साथ देते हैं. सो दैट इज योर चॉइस. बट सजेशन जो ACCA ने दिया है वो यही है कि आप स्किल के जब पेपर्स हो जाए उसके आप बात दे दो, बिकॉज आपको वो हेल्प करेगा इन प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स. एंड आई वुड से आई समवॉट डू अग्री नाउ, बिकॉज एट दैट टाइम प्रॉब्ली मुझे भी नहीं पता था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने तो तब दे दिया था एंड इट वेंट ऑफ वेल, नो इश्यूज. बट आई फील जब आपको देना ही है, राइट, यू हैव टू गिव दिस, इट इज कंपल्सरी इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ मेंबर. सो वाई नॉट गिव आफ्टर योर स्किल पेपर्स एंड जस्ट बिफोर योर प्रोफेशनल एग्जाम? सो दैट दिस इज समथिंग यू कैन डू. बट अगेन लाइक आई सेड, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं. सो जैसे कि मैंने कहा, 10 मॉड्यूल्स, उसमें 10 यूनिट्स हैं बेसिकली, जिसमें से 7 आपके लर्निंग यूनिट्स हैं, जिसमें आपको एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म के बारे में, लीडरशिप के बारे में, डेटा एनालिटिक्स, टीम लीडिंग सॉर्ट ऑफ लीडरशिप हो गया, फिर स्केप्टिसिज्म, इनोवेशन, ये सारे एरियाज के अराउंड ये जो है यूनिट्स बिल्डअप है. इनको आप गो थ्रू करोगे, उसमें भी आपके लिए कुछ क्विजेज होंगे वाइल अ मॉड्यूल इज गोइंग ऑन, जो कि ऐसा सच मार्क्ड नहीं है, यू नो दिस इज जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पसेस. जैसे जैसे आप मॉड्यूल कंप्लीट करते जाओगे, आप दूसरा तीसरा सारे मॉड्यूल्स करके फाइनली आप जो है यूनिट 10 पे आओगे, जो कि होगा आपका फाइनल असेसमेंट, जो कि मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है, इट इज अ टेस्ट एंड 50% इज द पास मार्क्स एंड यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट दैट मच इफ यू वॉन्ट द सर्टिफिकेट. एंड मैंने आपको ये भी बता दिया, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं होता है, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके, आप जो है उसको कितने भी बार दे सकते हो अंटिल यू क्लियर. पेमेंट आप एक बार ही कर चुके हो, सो यू डोंट हैव टू पे अगेन एंड अगेन. सो यस, दिस इज ऑल अबाउट योर ईपीएसएम मॉड्यूल एंड आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन यू नो काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है. सो आई एम जस्ट हियर टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट, यू नो कई लोग सोचते हैं कि ओ इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, दे जस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल, ऐसे ही ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. जब टेस्ट पर पहुँचते हैं दे फेस लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, यू नो कई स्टूडेंट्स 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं. इसलिए मैं बोलूँगी आप जब भी करो, यू नो जब भी आप डिसाइड करो करने का, एटलीस्ट आप बस इतना डिसाइड कर लो कि हाँ भाई अब मैं इसको सीरियसली करूँगा या करूँगी, और आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर रहे हो. इट शुड नॉट बी लाइक आपने किया फिर आप टेस्ट दे रहे हो, यू नो आपको फिर दोबारा रिफ्रेश करनी पड़ेगी मेमोरी. सो यू हैव टू गो थ्रू थिंग्स अगेन, बिकॉज अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ आपको लगेगा कि यार मैं कौबा कर लेता हूँ. सो इससे बेटर है आप जब भी दो, आप उसी वक्त आप सोच लो कि ओके अब मैं
स्टार्ट करो उसका पढ़ाई, तो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, एक एक मॉड्यूल करते जाओ, एक एक यूनिट करते जाओ एंड कॉन्सेंट्रेशन की एंड समझ के क्या है, सो दैट जब आप टेस्ट सेक्शन पे आओ तो आप इजीली क्लियर कर पाओ, बिकॉज ये लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे टू टेस्ट योर एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑल ऑफ दैट, राइट, एंड जो बाकी सारे आपके बेसिकली यूनिट्स हैं, सो इट्स नॉट समथिंग कि आप कुछ रट के दे सकते हो आंसर, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब गो थ्रू करो इन यूनिट्स को, इन मॉड्यूल्स को, आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, आप समझ रहे हो एग्जैक्टली वॉट आर दे ट्राइंग टू से, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपको उन्होंने जैसे कि कहा है प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा एंड ऑफ कोर्स इन योर रियल लाइफ वर्क प्लेसेस. सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड इफ येस डू हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो कि इसी से कर रहे होंगे प्रॉबेबली एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो अबाउट दिस मॉड्यूल एग्जैक्टली क्या है कैसे है. सो डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू सून. टिल देन दिस इज ACC दिशा चौहान साइनिंग ऑफ.